हेलो एवरीवन वेलकम टू माय सीक्रेट रेसिपी कॉर्नर आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का नाश्ता ये नाश्ता बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है और जब भी आप ये नाश्ता बनाएंगे तो इसे बनाने के बाद समोसा कचौरी खाना भूल जाएंगे हमेशा इसी नाश्ते को बनाना चाहेंगे जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में और चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और इस नाश्ते की खास बात यह है की कि किचन में रखे सामानों से ही बनकर तैयार होता है मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो चलिए बनाते हैं गेहूं के आटे का नाश्ता तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चार पांच आलू लेंगे जिन्हें हमने उबाल कर छील लिया है तो सबसे पहले हम इन्हें मैश करेंगे या तो आप इन्हें फ़ोर्क से मैश कर लीजिए या फिर किसी मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं ये देखिए मैं इन्हें फोर्क से मैश कर रही हूँ आलू को हमने मैश कर लिया है अब लेंगे हम एक कढ़ाई उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ऑयल को गर्म होने देंगे ऑयल गर्म हो गया है अब डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून जीरा जीरे को हल्का सा चटकने देंगे और फिर डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई एक मीडियम साइज की प्याज प्याज को हल्का सा चलाएंगे तो प्याज हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी है साथ ही डाल देंगे हम इसमें दो तीन बारीक कटी हुई हरी मिर्च अब ऐड करेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इन्हें हल्का सा सॉफ्ट होने देंगे अब ऐड करेंगे वन टीस्पून स्पून ग्रेटेड अदरक अदरक को भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे अब ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे इसमें नमक और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब आलू को कढ़ाई में डालेंगे और मिक्स करेंगे आलू को हमने मिक्स कर लिया है अब ऐड करेंगे इसमें वन टीस्पून अमचूर पाउडर इससे स्टफिंग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें हाफ नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं तो हमारी स्टफिंग बनकर रेडी है और कढ़ाई को हमने गैस से उतार लिया था अब डालेंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और वन टीस्पून जितना चाट मसाला अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्टफिंग को एक साइड रख देंगे अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे एक कप जितना गेहूं का आटा ये मैं गेहूं के आटे से बना रही हूं। आप चाहे तो मैदा से भी बना सकते हैं। लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी होता है इसलिए मैं इसे गेहूं के आटे से बनाऊंगी अब ऐड करेंगे इसमें वन टीस्पून अजवाइन और वन टीस्पून चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून एड करेंगे इसमें नमक या आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एड कर सकते हैं और वन फोर टी स्पून ऐड करेंगे इसमें मीठा सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं और अगर आपके पास मीठा सोडा ना हो तो आप इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाएंगे पानी हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर लिया है और आटे को हल्का सा मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें ऐड करूंगी वन टेबल जितना ऑयल और आटे को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को हमने ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे और ये देखें सॉफ्ट डो बनकर रेडी है इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें इतना सॉफ्ट डो चाहिए होगा और अब स्टफिंग को भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे अब फिर से एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तक ऑयल गरम होता है तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं अब हम इस बाउल में से थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और उसकी लोइयाँ बनाएंगे हमें इतनी बड़ी लोई बनानी है जितनी हम पूरी के लिए बनाते हैं ये देखिए इतनी बड़ी बनाएंगे इस लोई को चकले पे रखेंगे और इसे बेल लेंगे हमें इसे इतना बड़ा बेलना है जितनी बड़ी पानी पूरी होती है ना बस उससे थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे ज़्यादा बड़ा हमें इसे नहीं बेलना है ये देखिए हमें इसे इतना बड़ा बेलना है इसे बड़ा नहीं बेलेंगे इसके बीच में रखेंगे थोड़ी सी स्टफिंग स्टफिंग को इस तरह से फैलाएंगे अब इसके साइड में पानी लगाएंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे किनारों से हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे ये ना खुले अब इसके किनारों पर भी हल्का सा पानी लगाएंगे इस तरह से और एक किनारे को पकड़ के दूसरे किनारे पे टच करेंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे जिससे ना खुले और हमारा स्नैक्स बनकर रेडी है और बस इसी तरह से सारे स्नैक्स बना लेंगे देखिए स्नैक्स हमने बना लिए और बाकी के भी इसी तरह से बना लेंगे और ये देखिए यहाँ पर ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है अब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो हमारा नाश्ता बनकर रेडी है अब हम इसे सर्व करेंगे ऊपर से डालेंगे इस पे थोड़ा सा चाट मसाला जो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और डेकोरेट करेंगे धनिया पत्ते और हरी मिर्च के साथ तो चलिए तो मैं ये आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये देखे देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी इसे खाकर आप समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे और इसे इंजॉय करेंगे हम हरे धनिया और लाल चटनी के साथ तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सीक्रेट रेसिपी कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए